नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त किसान मनीष दादा जैन आपके समक्ष में हाजिर हूँ। आज 1 अगस्त 2021 मेरे सीताफल के खेत में खड़ा हूँ मैं। ये सीताफल हमने पिछले साल लगाए थे दोस्तों। ये सीताफल के जो प्यारे आपको पौधे दिख रहे हैं, ये हमने सोलापुर बार्शी डिस्ट्रिक्ट तालुका और वहाँ से हमारे मित्र भैया साहब से मंगाए थे। ये हमने वहाँ पर सीताफल लगाए है, इसके अभी तक हमने छटनी नहीं की है, ये हमने पहली बार लगाया है। तो इसमें ये सीताफल को आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है, लेकिन इसका जो प्लांटेशन है, ये प्लांटेशन हमने बहुत लेट किया था। हमने इसका प्लांटेशन लेट होने की वजह से इसको स्टेबल नहीं हो पाया। ये हमने करीब इसका अक्टूबर नवंबर में इसका प्लांटेशन हमारा हुआ है, क्योंकि बरसात चले गई थी उस समय, इसकी बरसात नहीं मिली। इस बार उसको पानी मिला है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया इसके अंदर में से ग्रोथ आ रही है, कुछ भी बहुत अच्छी है, फल भी बहुत अच्छा देगा। हाँ, इसमें मरझट भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, इसका रीज़न ही उसकी गलती हमारी थी। हमने इस पौधे को जो लगाया है, पौधे को हमने जब लगाया था तब ये मैंने आपसे जैसे कहा अक्टूबर नवंबर था, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूँ, बट जब हमने ये चीज़ को लगाया था तो हमने जो स्पेसिंग लिया है, ये स्पेसिंग हमारा जो है पौधा टू पौधा, इसे हम कहते हैं ट्री टू ट्री। ये जो स्पेसिंग है हमारा, ये हमारा है टोटल 5 फीट का, ये आप देख सकते हैं। और लाइन टू लाइन जिसे हम कहते हैं, कि जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा, ये लाइन से लेकर के ये लाइन जो है, ये हमारी है 7 फीट का। तो ये 5x7 ऐसे डायमेंशन के अंदर में हमने लगाया है। ये तकरीबन हमने यहाँ पे 2.5 एकड़ के अंदर में लगाया है, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे झाड़ है। देखिए मैं आपको एक नज़र घुमाना चाहूँगा, आप देखिए, घूमिए मेरे पीछे पीछे, देखिए हाथ से, ये पूरा जो है, ये सीताफल जो है टोटल हमने ये 2.5 एकड़ लगाया है, पूरे के पूरे आपके नज़र में आ गया है। बहुत बढ़िया पौधा है, बहुत बढ़िया झाड़ है। इस साल भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी की मक्के के अंदर जो है ना, हमने क्या किया, इस साल मक्का लगा दिया। मैंने एक वीडियो में बताया था आपका, मक्का मेज जिसे हम कॉर्न कहते हैं, जो हम लोग ये स्टार्च के लिए काम में आता है, काफ़ी दूसरी चीज़ों में काम में आता है, वो लगा दिया था। ऑलमोस्ट 60-70 एकड़ का हमारे यहाँ पे मक्का लगा हुआ है, और उससे भी बहुत बढ़िया फसल है। मैं उसका भी वीडियो आपको वापस से दूंगा, बताऊंगा। लेकिन अभी सीताफल जो है, ये वो जो गोल्डन गोल्डन वेराइटी बोलते हैं, वैसा उन्होंने हमें बोल करके दिया है कि ये गोल्डन वेराइटी, इसका फल बहुत अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। देखिए झाड़ है, निसर्ग है, ये कोई झाड़ हमारा भाई ये थोड़ा सा नीचे रह गया तो ये कमज़ोर हो गया, ऐसा नहीं, इसका बूंदा मजबूत है। आप ये चीज़ को देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ जो होती है ना, ये बूंदे से होती है। बूंदा मतलब जो नीचे का जो आपका बेस होता है, ये देखिए इसका जो बेस है, ये कितना अच्छा है, ये जितना मजबूत है, ये स्टर्डी हो गया, बढ़िया हो गया। और अब ये जो रिटर्न देगा, ये जो ऊपर आएगा, ये इसमें से मज़ा आएगा, झाड़ बढ़िया होगा। कटिंग एक भी बार नहीं की हमने आज तक, एक कटिंग नहीं हुई है। अब इसकी कटिंग हम लोग करेंगे, लेकिन कब, पहले इसको बरसात में पूरा मैच्योर होने दीजिए, पकने दीजिए। झाड़ इतना बड़ा हो गया, देखिए इसके अगर आप हाइट देखेंगे तो मेरे हिसाब से मेरी 5-7 है, और इसकी हाइट देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी क्या हाइट है, आपके समक्ष हो जाएगी इसकी हाइट। तो ऐसे प्यारे झाड़ है, बढ़िया है, खुश है। इसमें हम लोग करीब तकरीबन 8-10 हज़ार झाड़ और लगाने वाले हैं, इस साल प्लानिंग में है। मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे लगाएंगे हम, जो हम जो झाड़ लगाने वाले हैं, आप आइए मेरे साथ साथ के अंदर में। वाह वाह, क्या शानदार बूंदा है इसका, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी हवा आ रही है, तो सारा झाड़ हवा से, देखिए पत्तियाँ, देखिए आप, ये सारी पत्तियाँ एक साइड के अंदर में झाड़ की वजह से सूख रही, इस एक साइड में आ रही है, कितनी खुशी की बात है। देखिए मैं आपको जो बता रहा था, ये जो बचा हुआ हमारा जो एरिया है, इसके अंदर में इसका अगला और जो है वो तार कंपाउंड जो दिख रहा है आपको वहाँ पे पीछे, वहाँ तक ये 2.5 एकड़ और है, और इधर का 5 एकड़ और है, तो ये करीब तकरीबन 7.5 एकड़ और ये 2.5 एकड़, तो ऐसा 10 एकड़ हमारा पूरा टोटल प्लांटेशन करने का एक अंदाज है। ये 10 एकड़ 11 एकड़ भी हो सकता है, पन कम नहीं होगा, पन 10 एकड़ के तकरीबन ये हमारा पूरा मक्का ये जो है अभी लगा हुआ है। उसके अंदर में, मक्के के अंदर में जो मेज़ है, कॉर्न है, कॉर्न के अंदर में हम लोग अभी सीताफल लगाने वाले हैं, क्योंकि हमने डबल ट्राई करने की कोशिश की है, बड़ा नया एक एक्सपीरियंस किया हमने, हमारे लिए तो नया है, कई मित्र दूसरे लोग और करते होंगे, उनके बारे में नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन हाँ हमारे लिए पहली बार नया है। कि हमने क्या किया, देखिए अभी इसको बनाया, अब हम इसके अंदर में इसी हफ्ते के अंदर में हम यहाँ पे मक्का लगा रहे हैं, तो अब सीताफल के बीच में मक्का, और यहाँ मक्के के बीच में सीताफल, ये हमने ट्रायल लिया है। अभी क्या सक्सेस होगा, कैसे होगा, ये तो सक्सेस के ऊपर में जानते हैं। देखिए ये बीच का हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था पैच, ये हमने लिया मक्का, एक बढ़िया हो गया है, अच्छा मक्का हो रहा है, ग्रोथ अच्छी ले ली है, और मक्के के अंदर में से
बढ़िया इसके अंदर में से फल आएगा। लेकिन अब इसके अंदर में हम लोग सीताफल लगाएंगे, तो हमें मैक्सिमम हमारा जो कैलकुलेशन है कि जो सीताफल हम स्पेसिंग से लगाएंगे, तो सीताफल के अंदर में हमारा जो मक्के का पैदावार है, ये जो हम 8-10 एकड़ जो नया लगाएंगे, इसके अंदर में तकरीबन हमारे 2-3% का ही नुकसान जाएगा, 2% to 3% की जहाँ ज़रूरत है। जैसे मेरे को ज़रूरत लगती है यहाँ पे, तो मैं यही झाड़ निकालूँगा और यही झाड़ निकाल करके मैं यहाँ पे ही लगाऊँगा, ऐसा इसकी हमारी सोच है। और ट्राई ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया सीताफल में मक्का, मक्के में सीताफल, तो ट्राई करके देखते हैं। आप मिलते रहेंगे, आपको बताते रहूँगा। आपका हम सफ़र, आपका दोस्त, जय किसान, जय भारत।